करते हैं मेरी वीडियो में टेक्निकल वेयर चैनल में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो में मैं 10 लाइक का एम रखता हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप टारगेट मेरा पूरा कर देंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ टॉप ऐसे 6 मोबाइल जो 10,000 के अंदर आते हैं, जो आपको पबजी खेलने में, गेमिंग फ़ोन में और फोटोग्राफी में बहुत अच्छा रहेगा, प्रोसेसर भी उनका बहुत हाई लेवल का रहेगा। तो और मतलब कि ऐसा मोबाइल जो मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको, जो मतलब आपको आगे चल के भी परेशानी ना करे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। चलिए तो आपको टॉप 6 ऐसे मोबाइल दिखाता हूँ मैं, जो मतलब आपको गेमिंग के लिए और फोटोग्राफीज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम चलते हैं, मैंने लाइक करके रखा है पहला फ़ोन। तब जो सबसे पहला बढ़िया फ़ोन होगा वो आपके लिए मैं रिकमेंडेड करूँगा, ये फ़ोन जो कि 11,000 का 10,999 का मोबाइल है। रियलमी 5 क्रिस्टल ब्लू है। 4GB रैम है इसमें और 64GB स्पेस है। तो आप इसमें देख सकते हैं 5000 mAh की बैटरी आप लोग को दिख जाएगी, और इसमें 12 MP का फ्रंट कैमरा एंड 8 MP और दूसरा जो मतलब कि सेकंड कैमरा है, और जो सेकंड 8 MP का है। तो अगर आप देख रहे हैं ये तो चलिए ये शोर हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए इसमें आप देख सकते हैं 4GB और 64GB। अगर इसको आप कम करवाना चाहें तो इसमें 3GB और 32GB भी मिल जाएगा आपको वेरिएंट। तो चलिए ये एक मोबाइल हो गया है Realme 5। तो अब मैं दूसरा मोबाइल दिखाऊंगा आपको, Redmi Note 7। ये बहुत बढ़िया है आपके पास अगर 10,000 का बजट है आपका, तो इसमें आप मोबाइल ये बहुत अच्छा ले सकते हैं, Redmi Note 7, जो कि ये ऑक्सी ब्लैक है। 32GB है रैम स्टोरेज इंटरनल और 3GB रैम है इसका, जिसमें आपको बैटरी मिल जाएगी 4000 mAh बैटरी, और जो इस पर बैटरी चार्जिंग हो जाएगी वो फास्ट मिलेगी आपको टाइप सी। और इसमें प्रोसेसर जो है, इसमें जो प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 760 AI का प्रोसेसर है, और इसमें क्विक चार्ज का सपोर्ट करता है 4.0 एंड 3GB रैम और 32GB रोम है, जो मतलब इसमें पाया जाता है। और इसमें आप एक्सपेंडेबल भी कर रख सकते हैं 256GB तक। तो अगर आपको मतलब कि 9,000 का बजट है 10,000 का, तो आप ये ले सकते हैं, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है फ़ोन है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड मोबाइल के ऊपर चलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया मोबाइल है, Realme 5i। 4GB है रैम और 128GB इसमें इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें 4 कैमरा पाया गया है। देख सकते हैं आप मोबाइल बहुत अच्छा है लग रहा है, कलर भी अच्छा है ब्लू कलर का। तो इसमें मतलब इसके में देखते हैं क्या क्या खासियत है। इसमें 16.56 सेंटीमीटर की स्क्रीन मिल जाएगी, जो HD+ डिस्प्ले है, और 12 MP का एक कैमरा मिलेगा, और एक 8 MP और 2-2 MP के अलग अलग कैमरा, और जो फ्रंट कैमरा है 8 MP का। और इसमें बैटरी जो है 5000 mAh बैटरी मिल जाएगी, और इसमें स्नैपड्रैगन 665 2GHz प्रोसेसर है, जो कि बहुत अच्छा है गेमिंग के लिए। सनलाइट डिज़ाइन है इसमें और रिवर्स चार्जिंग। अगर आप मतलब कि मेरी ये पर्सनल मतलब कि अपना वे देना चाहूँगा, व्यू देना चाहूँगा, कि मतलब अगर आपको मोबाइल लेना है 10,000 के अंदर अंदर, 10 मतलब ये 11,000 का पड़ेगा आपको, Realme 5i ले सकते हैं। और जो दूसरा मोबाइल है Vivo U10, ये मतलब जिनका बजट बहुत ज़्यादा कम है मतलब कि 10,000 तक का है ये है, उनके लिए 3/32 ये इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 3/32GB, और इसमें 5000 mAh बैटरी है, जो कि बहुत लंबी चलेगी। 18V फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा इसमें, और आपको इसमें 3GB रोम और मतलब 256GB तक आप एक्सपेंडेबल भी करा सकते हैं। और इसमें जो है स्नैपड्रैगन 660 AI का प्रोसेसर लगा हुआ है, 18W का जो फास्ट चार्जर है इसमें, समझे आप। तो इसमें Redmi 8 जो है ये सबसे बड़ा फ़ोन है, जो कि मैं भी लूँगा आगे, अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा YouTube से, और तो मैं भी मोबाइल ले सकूंगा। फिर इस समय तो मैं सैमसंग वाली S7H यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ, Redmi 8। तो ये 4GB रैम है और 64GB स्टोरेज है इसमें, जो कि 9499 के अंदर चलता है, पड़ता है 9,500 में। और इसमें मतलब कि 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। और इसमें डिस्प्ले जो है 15.8 सेंटीमीटर का मिल जाएगा, जो कि HD+ है, और स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि बहुत बहुत अच्छा है गेमिंग के लिए। अगर आप चाहे तो ये आप ले सकते हैं, ये भी मैं लूँगा यही वाला, पर मतलब कि ये आपके लिए अच्छा है, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं।
चलिए हम लोग फेस कैम पे आते हैं। मोबाइल मोबाइल की स्क्रीन में आप देख लिए, चलिए आप लोग तो आप लोगों ने देखा जैसे मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर आपको उनमें से एक भी मोबाइल अच्छा लगे तो मतलब कि आप उनको ख़रीद सकते हैं। मैं इसके लिए लिंक नहीं दूंगा क्योंकि लोग सोचते हैं कि मतलब ये लिंक देगा तो इसको पैसा मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं भाई, मेरी लिंक से खरीदोगे तो आपको आसानी होगी, आपके टाइम बचेगा। तो कोई नहीं भाई, आप अपने अपने मतलब अपने फ्लिपकार्ट में सर्च कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम सबका फेवरेट घंटा जरूर दबा दीजिएगा। यो बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय हिंद जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।